मैं लिटरली रोई हूँ कल इस सीन को देखते हुए। वो सुरमा लगाता है ना, वो तैयार होता है, जब वो उससे कहती है तेरी माँ ने मुझे कभी तेरे करीब नहीं आने दिया, तुझे कभी गोद में उठाने नहीं दिया, मैंने तुझसे कभी प्यार, वो कहते हैं मोहब्बत छुपा भी सकते, क्या डेप्थ थी इस लाइन की। मैं कहती हूँ खालिद भट्ट साहब ने क्या काम किया। एक एक सीन के ऊपर ना लग रहा है राइटर डायरेक्टर बैठे हैं, इन्होंने इस पे काम किया है। I'm sorry, मैं इस पे से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकती। मैं रुलाएगी पगली रुलाएगी क्या बल्कि रुला दिया। एक क्लैप हो जाए भाई। पहली दफा आई हूँ तो मैं पूरे ड्रामे पे बात करूंगी। आउटडोर देखना ही इतना खूबसूरत है सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ आउटडोर निकलना ही नहीं चाहते लोग, आर्टिस्टों के पास टाइम नहीं होता, आर्टिस्ट इतना कम टाइम लेते हैं, डायरेक्टर इतना बिजी है, तो ओवरऑल जो फील है ना उसकी पहली एपिसोड से लेके पहले प्रोमो से लेके और अब तक उसने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। उस फैमिली का वहाँ आना, उस फैमिली का वहाँ रहना, वो तस्वीरें खींचना, मैं इसलिए आपको ये पूरा रिव्यू देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ड्रामा पहली एपिसोड पहले प्रोमो से देखा है, तो मुझे मैं एक एक चीज़ फॉलो कर रही थी कि ये क्या खूबसूरत शॉट्स बनाए थे, जब वो ब्रिज पे गाड़ी रोकते हैं, वो बच्चे तस्वीरें खींचते हैं, ऐसे नहीं ऐसे तस्वीर, वो फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई क्योंकि आगे जाके इस फैमिली ने ख़त्म होना था। वो सीन जहाँ आके ये मारता है फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी, और मैं कहती हूँ खालिद भट्ट साहब ने क्या काम किया, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, क्या काम किया है उनका। ये आखिरी ड्रामा है और इतना यादगार ड्रामा है कि मज़ा आ गया उनको देख के। बहुत अरसे बाद पिंडी के आर्टिस्ट को जब आप देखते हैं ना, वैसी वही कहते हैं ना पिंडी वाले ऐसी, तो मोहब्बत वैसी जाग जाती है। मुझे इस ड्रामे से आउटडोर की वजह से एक तो इश्क हुआ था। इस ड्रामे में हर आर्टिस्ट ने मेहनत की है, वो दिख रही है। इस ड्रामे के पीछे का डायरेक्टर दिख रहा है। ओवरऑल कास्टिंग कमाल की, डायरेक्शन कमाल की, ग्रेंजर है उस ड्रामे का, ग्रेंजर दिखता है। एक एक सीन के ऊपर ना लग रहा है राइटर डायरेक्टर बैठे हैं, इन्होंने इस पे काम किया है, इवन आर्टिस्टों का भी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मैयत के सीन एंड में उसकी मैयत भी वो दिखाई है उसके ऊपर ले जाते हैं, मतलब मैयत सीन पे तो ये टाइम लगाते हैं, मतलब कि वो खोते हैं, कहते ये कौन है, कहते ये वो मारा है, फिर उसको कट फ्लैशबैक आता है, अगर वो जिंदा है तो उसे लेकर आओ मेरे पास। तो मैं तो इस ड्रामे के इश्क में हूँ, इसके खुमार में हूँ। ये आपका मैं, खुमार में ना रहे नहीं, मैं इस ड्रामे के इश्क और खुमार में हूँ। मैंने आपसे इश्क में और खुमार में है, दोनों में हाँ। और मैं इसके इश्क और खुमार में पागल हो सकती हूँ। अब बात कर लें एपिसोड की। एपिसोड कमाल की, क्या आप देखें क्या तेजी से जा रही है एपिसोड, मतलब किस तरह वो What a night, वो जिस वक्त कहता है ना, नहीं वो आप वो सीन देखें जब वो कहता है आके कि बाबा तुमने उसको भगाया है, तुम्हें पता है, जुमला कहीं नहीं उसने बोला कि मारा किसने, किसने कत्ल किया, मैं कहीं एक लाइन में किसी ने ये नहीं बोला कि बालाज ने, वो क्या नाम है उस बच्चे का, बरलास, उसने मारा है, बरलास ने, बरलास ने मारा है, कहीं नहीं बोला, उसने कहा बाबा तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहता है बाहर चलो, वो सबको बाहर लाता है। सीन बीच से मिड से शुरू हो रहा है और फैसल कुरैशी के ऊपर वो सीन शुरू होता है, वो कहता है कि बाबा ये क्या बात कर, वो मेरा बच्चा है, कहता है बच्चा तो है, इसका भी तो बच्चा है ना, फैसला तो यही करेगा, नाम कहीं किसी ने नहीं लिया, पूरी सिचुएशन आपको समझ आ गई कि बात खुल गई है, बात कहाँ समझ। तो ये एक डायरेक्टर का कमाल और राइटर का कमाल होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बात खोल के बतानी है, बात समझ आनी चाहिए देखने वाले को। और सबसे खूबसूरत सीन था जब वो आके अपने आँख में सुरमा लगाता है। मैं लिटरली रोई हूँ कल इस सीन को देखते हुए, क्राइंग, मुझे अभी खुद फील हो रहा है कि जब वो सुरमा लगाता है ना और वो तैयार होता है, और वो लैला मुझे इतना प्यार आया लैला जुबैर, लैला वास्ती पे, सॉरी, जब वो उससे कहती है तेरी माँ ने मुझे कभी तेरे करीब नहीं आने दिया, तुझे कभी गोद में उठाने नहीं दिया, मैंने तुझसे कभी प्यार, वो कहते हैं मोहब्बत छुपा भी सकते हैं, क्या डेप्थ थी इस लाइन की, मोहब्बत, क्योंकि वो दो जूम आईने में पूछ रहा था, वो भी मोहब्बत छुपा सकता था, वो छुपा नहीं सका, और इसने सारी जिंदगी मोहब्बत में, कहता है मोहब्बत छुपा भी सकते, कहती हाँ मोहब्बत छुपा भी सकते, और फिर वो सीन, और वो कितने मजे से सुरमा लगा के कहता है तू इतनी तैयार होके जा रहा है, कहते हैं बन ठन के जाते हैं ना, और मौत से तो एक ही दफा मुलाकात होती है, ब्यूटीफुल लाइन,
फैसल कुरैशी का वो टूटा हुआ होना, वो आके कमरे में बैठना, और उस पे दुर्रे फिशा का जो कमाल की उसकी आंख में एक है ना कि अब मैं देखूंगी, अब वो जो अंदर की आग ना, देखिए नफरत भी उतनी ही कमाल की होती है जितनी कमाल मोहब्बत होती है, ये ड्रामा आपको बता रहा है। और जब वो जैसी अजान होती है उसका सर पे like. मतलब वो इतनी कंप्लीट सीन था कि कुछ नहीं, उसने कहा वो सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, तिरछी आंख से सिर्फ आंख खोल कर उसे मुस्कुराते हुए देखती है और वो कहता है सुबह हो गई, सुबह हो गई। मुझे सोच के गूज बम्प्स अभी भी हो रहे हैं कि लाइक व्हाट अ सीन, एंड दैट सीन वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर और एवरीथिंग। देखिए ये क्या था, और इंडिया में लोग बाहर के मुल्कों में लोग टॉकिंग अबाउट दिस, ये क्या हमने देखा है। मैं आई एम सॉरी, मैं इस पे से ज्यादा बात ही नहीं कर सकती, मैं रुलाएगी पगली पगली रुलाएगी क्या, बल्कि रुला दिया। एक क्लैप हो जाए भाई, तो कितने थम्स अप हैं यार, मतलब सारे लाओ मतलब सारे सारे तुम भी उठाओ जल्दी से, जितने कैमरा मैन से सबके, जितने लाइट मैन से सबकी तरफ से ये थम्स अप है। ये मेरे आंसू बताएंगे कि मैं इसके इश्क में हूँ, इसके कुमार में हूँ, मैं इसके पागलपन में हूँ। सारे ड्रामे आ गए, बंद कर दो शो, शो ही बंद कर दो। कमाल था एपिसोड, कमाल था। इसमें डायरेक्टर, इसमें राइटर, इसमें आर्टिस्ट सब दिख रहे हैं, और ड्रामा इसे कहते हैं। वाह, आई रियली वांट टू सी। एक माँ जो होती है वो उज्मा, ये उज्मा की रात उज्मा की, आई थिंक हर परफॉर्मेंस वाज आल्सो वो था, लेकिन मैं उसको और देखना चाहता हूँ। मैं चाहता कि वो जाती ही ना के एक दरवाजे पे वो मारती, वहां पे वो चीखो पुकार करती कि मेरे बेटे को मत मारो सुबह, और वहां पे ड्रामा क्रिएट होता, तो वो इस एपिसोड को। लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, और उस रात में नहीं, और वो थोड़ी देर गायब भी होगी, वो कहां चली गई, एक सेकंड नहीं छोड़ना होगी। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आपको सुबह आपके बेटे को मारना है, बेटे को मारना है, यू हैव, तो वो एक सिचुएशन बनती है। तो वो माँ कहाँ, लेकिन इस तरह के कबीला जब खानदान होता है ना, इसमें जरा औरतों को इतनी इजाजत भी नहीं होती, वो बोलता भी है, वो भी नहीं है। बोलते भी हैं कि खवातीन को बाहर नहीं जा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो एक घर में रहते हैं, कर सकती थी, लेकिन वो एक सीन बनता था कि वो उज्मा का सीन जो होता ना, तो ये जरा उसको छोड़ना नहीं, मैं मुझे ये था चली कहाँ गई एकदम, होना चाहिए था नहीं बात, आप देखें ना, वो तो फिर डायरेक्टर और फिर राइटर, क्योंकि लैला का सीन आना था। मैंने ये हमें हर मर्डर स्टोरी में देखा, जब मैं क्राइम शो करता था, फैमिली की खवातीन जाके अगली फैमिली को जब उनका बेटा मनाते हैं कि आप मेरा बेटा है, मेरा वो बच्चा है, आप चला गया। हो सकता अगले उसमें हो कुछ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे अंदर से कल फीलिंग आ रही थी जब मैं उसके वाला सीन देख रहे थे, वो गन उठाता है, उसके हाथ कांप रहा होता है, अपने हाथ को पकड़ता है, मुझे लगता है ये माफ कर देगा, और ये जो माफ करने वाला है ना, ये दुर्रे फिशा के लिए एक बहुत बड़ी जर्ब होनी है। लेकिन मुझे लगता है माँ नहीं माफ करेगी, माँ नहीं करेगी ना, लेकिन ये मुझे लगता है कि माफ होगा। राइटिंग की बात कर लेते हैं अब, यार मतलब राइटिंग कैसे इसमें आप इसकी, सकलैन अब्बास लास्ट वीक हमारे साथ थे, वो है ना 10 से ऊपर अगर कोई नंबर होते तो मैं वो दे देती। डायरेक्शन में मुझे, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि वो सीन नहीं आया, मुझे वो साइलेंट सीन इतना खूबसूरत लगा, क्योंकि उसके बाद ही तो वो चीखा, उसके बाद ही तो वो रोया, वो जो उसने अपनी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और वो उसको देख के मुंह फेर लेती है। मतलब आप सोचे ना कि वो शीशे में देख रहा है, वो सामने है, वो उसे देखती है, उसके आंसू गिरते, ये उसे देखता है, और वो मुँह फेर लेती है। डिसओन कर दिया ना कि तुमने क्या किया। वो नहीं चाहती थी कि वो पामीर को मारे, उसने तब भी पूछा था कि क्या तूने मारा पामीर को, और जब वो बोल देते हैं हाँ, तो वो दो कदम पीछे हटती है, तो उसको उसकी लाइकनेस वहीं से खत्म हुई थी। जैसी वो मुंह मोड़ती है, यहाँ इसका टूटना बनता था, और क्या कमाल ये टूटा है, जिस तरह इसने अपने आप को कंट्रोल किया, उन मुठियों को भींचा, मुंह को अपने पूरे बिस्तर में डाल के, ये जो चीखा है ना जोर से, वो बहुत कमाल था। इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन मोहब्बत वाला हम मांग रहे थे कि काश वो दुर्रे फिशा के साथ उसका आता, बिलाल का आता। तो ये जो एक कमाल है, ये है डायरेक्टर, जो हम कहते हैं ना डायरेक्टर कहाँ नजर, ये है राइटर। राइटर ने सिर्फ लिखा है वहां कि उसने देखा, वो मुड़ा, वो रोया या वो चीखा, इससे ज्यादा वो नहीं लिख सकता राइटर। अब डायरेक्टर का कमाल था कि उसने कैसे करवाया, यहाँ डायरेक्टर हमें दिखा, डायरेक्टर की एक लाइटिंग से लेके उसके एक एक एक्सप्रेशन दिखा। एक चीज थी वो, उसमें डायलॉग था लैला वास्ती और दुर्रे फिशा के दरमियान, जब वो बाहर खड़े हुए होते हैं,
तुम भी दुबई चाहती हो, रात की वहशत का जिक्र था और उसमें जो झींगर उसकी जो आवाज थी इट वाज सो क्रीपी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और वो लग रहा था कि ओरिजिनल था, लग रहा था और वो वहशत हो रही थी आपको देखें कि वाकई ये रात बहुत वहशत बहुत वो जिस तरह से उन्होंने लाइटिंग की हुई थी इट वाज लाइक उफ। तो डायरेक्टर इसमें पूरे ड्रामे में पहली एपिसोड पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक दिख रहा है, मुझे तो ये कमाल डायरेक्टर है, मैं मुझे मेरे पास हो तो मैं 10 से ज़्यादा नंबर दूंगी इसे। दुर्रे फिशा को ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि मैं फिर अगेन कहूँगी क्योंकि मेरे पास ये एक ही एपिसोड है तो मैं इस पूरे ड्रामे को, वो जब पीर के उस पर जाती है, जब वो अपने मंगेतर को देखती है, जहाँ वो फ़ोन का इशारा करती है, छोटी छोटी जगहें हैं और उसने कमाल खेला है, जहाँ वो इन दोनों को भड़काती है गाड़ी में बैठ के, वो दोनों फैसला करते हैं नहीं भागेंगे नहीं भागेंगे, वो कहती क्यों नहीं भागोगे भाग जाओ शादी मोहब्बत तो एक दफ़ा होती, बड़ा अच्छा वो एक्सप्रेशन डायलॉग दोनों चीज़ों से खेली है, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कहीं कहीं देखी कि मेरा मतलब मनसूबा कामयाब क्यों नहीं हो रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड भी होती है, वो उसे पकड़ लेता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, वो गई उसके बाद आंसर भी होता है कि मैं उसका वेट कर रही हूं। उसका वेट कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, तो जबकि उसने ही भेजा होता है बड़लास के पीछे उसके के वो जाती है और वो सुन लेती है वो माँ उसकी सारा किस्सा, तो इसने बहुत कमाल काम किया। अगेन वही वाला सवाल जो इन्होंने किया, वो मेरे पास भी यही सवाल था, हर जगह कैसे पहुँच जाती है ये कौन ये तो है ये तो राइटिंग में ये राइटिंग का वो था कि वो हर अब मतलब जहाँ वो मार रहे होते तो भी ये वहीं खड़ी होती है, क्योंकि ऐसे घरों में हमेशा जनान खाना अलग होता है और मर्दान खाना अलग होता है, क्योंकि मैंने बड़े इस तरह के कबायली बेस्ड ड्रामे किए हैं तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा अंदाज़ा है कि ये हमेशा जनान खाना अलग होगा और मर्दान खाना, तो मुझे नहीं समझ आया था कि जब अगर वो मारने के लिए उसको लेके जा रहे होते हैं अब्बा जी वो खालिद भट्ट साहब, तो ये वहाँ कैसे पहुँच जाती है, वहाँ कैसे इसको ये सारी के अच्छा इनको पता चल गया और ये उसे मार देंगे जाके, जो बड़लास को बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि सारी सच्चाई, ये एक थोड़ा सा मुझे वो था, लेकिन ये तो डायरेक्शन में जाए, ये दुर्रे फिशा की एक्टिंग में तो नहीं आएगा। हाँ ऑफ कोर्स ये उसमें नहीं है, लेकिन उसको देखे तो मैं कहूँ कि उसको जहाँ जहाँ मौका मिला और हर जगह ही मौका मिला माशाल्लाह से उसको काम का, उसने निभाया 100% निभाया, और जो कल उसने दुपट्टा ओढ़ा है हाय हाय हाय, वो दुपट्टा ओढ़ना और आखिरी स्टैंप लगाना के अब तुम देखो और मैं देखूंगी, वो नज़र आ गया कि मेरी जीत है तेरी हार है, कमाल थी 10 बहुत कमाल। ये रात बर्लास की जैसे नादिया ने कहा ना, एक स्टार पैदा हुआ है और स्टार डायरेक्टर ही बनाता है, ये कोई नहीं बना सकता, ना राइटर बना सकता है ना प्रोड्यूसर बना सकता है, कोई नहीं, स्टार सिर्फ डायरेक्टर बनाता है। बर्लास कमाल, मतलब शुरू में मुझे शुरू से वो अच्छा लग रहा था, मुझे उसका गेटअप भी बड़ा मज़ा आया, वो जो सामने बटन वाले कपड़े पहन रहा था, डिफरेंट से उसकी वार्डरोब थी, सुरमा लगाता था, उसकी मोहब्बत आशिक मिजाज सा दिखा था, बहुत मज़े का। और अगेन मैं आऊँगी वो सुरमे वाले सीन पर, मैं कहती हूँ इतने हसीन तरीके से वो अपनी आँख में सुरमा लगाता है और जब दूसरी आँख में वो सारा सीन गुजरता है और जो वो जुमला बोलता है ना, क्या मोहब्बत छुपाई भी जा सकती है, वो मुझे आज भी ठक ठक मेरा दिल उस पर होता है, और वो दूसरे पे जब लगा रहा होता है उसकी एक आँख से आंसू गिर रहा होता है, अरे मुझे इतना प्यार आया उसके ऊपर कि उसको है तकलीफ कि मैंने क्यों मारा गलती, लेकिन उसको ये भी पता है कि होता ही यही आया है, उसने देखा ही बचपन से ये, जब वो अपने बाप से ये जुमला बोलता है ना कि तुमने औरत के पीछे मारा है, असल में इसका अपना गिल्ट बोलता है कि मुझे जो लगा एज इसने भी तो औरत के पीछे मारा है, इसने कौन सा अपनी दुश्मनी में मारा है, पामीर ने इसके साथ तो कुछ भी नहीं किया है, इसने तो अपनी मोहब्बत के पीछे पामीर को मारा है, अगर वो अपने बाप को कहता है ना तो उन्हें एक औरत के पीछे इतने लोगों को मारा था, तो तुमने भी तो औरत के पीछे मारा है, तुमने कौन सा किसी मर्द के पीछे मारा था, तो एक्चुअल ये अपने आप को ना कन्विंस कर रहा था उस पूरे लाइन में। नंबर्स 9